लेकिन अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया है इस दुनिया में आने का और हमें इंसान बनाया है तो जाहिर सी बात है हमसे वो कुछ काम लेना चाहता है, वरना इतने सारे जानवर है शायद हम उस मखलूक में होते। पर अल्लाह ने हमें कोई जानवर नहीं बनाया बल्कि इंसान बनाया, तो बेशक वो हमसे कुछ काम लेना चाहता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी कि अल्लाह ने हमें ईमान में रखा है, हमें हम ईमान वाले घर में पैदा हुआ है, पैदाइशी ईमान हमारे साथ है, हमें उसे अलग तरीके से ढूंढना या जाके इस्लाम क्या होता है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते इस्लाम के बारे में, हमें उतना स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मदरसा जाते हैं हम, कुरान की तिलावत करते हैं और मम्मी डैडी से सीखते हैं, घर का जो माहौल होता है हम उससे सीखते हैं, तो कुछ तो कच्चा पक्का हमें पता होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो चीजें समझ में बेहतर आती है। बचपन में छोटे होते तो मम्मी डैडी कहते हैं इसलिए हम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमारे अंदर आ जाती है, फिर एक आदत बन जाती है और कुछ वक्त के बाद वो करना मोहब्बत बन जाती है। अब ऐसा लगता है ये नहीं करे तो अब कोई डंडा लेके तो नहीं खड़ा है। अगर आज आप कहीं जाते हो आप नमाज नहीं पढ़ते तो कोई आपको डंडे से पकड़ के मारने नहीं वाला है, लेकिन एक आपके अंदर इतनी अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है कि आप सोचते नहीं 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 भले कोई नहीं देख रहा है पर मेरा अल्लाह देख रहा है और अल्लाह का हुक्म है नमाज का तो मुझे वो फॉलो करना है। तो बहुत सारी चीजें जब आप एक वक्त के बाद आप हर चीज बाय चॉइस करते हो। आज मतलब एक टाइम पे मैं इतनी छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, अब ऐसी हुई, कल को मेरी उम्र और ज्यादा बड़ी होगी। तो हम इंसान का जो ये एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चे से बूढ़े तक का, हमारे हर चीज हम अपने चॉइस से करते हैं। आज जब हम बड़े छोटे होते तो ऑफकोर्स सबका कंट्रोल होता है, पेरेंट्स का होता है, घर में बड़े भाई बहनों का होता है एग्जाम्पल। लेकिन जब आप बड़े हो जाते शादी हो जाते तो कहीं ना कहीं एक फ्री विल होता है आपके पास, लेकिन आप उस फ्री विल का कैसे यूज करते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है।